हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको 9th के सिविक्स यानी राजनीतिक विज्ञान का पहला चैप्टर। और पहला जो चैप्टर है उसका नाम है समकालीन विश्व में लोकतंत्र। इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए दी गई है, जिसमें से मैं आपको अलग अलग टॉपिक्स को बेहतर तरीके से पूरे वीडियो में समझाऊँगा। तो अगर आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आप सीखिएगा कि लोकतंत्र के लिए संघर्ष किस प्रकार से दुनिया में होता है, या दुनिया में किस प्रकार से लोकतंत्र में संघर्ष हुए थे, जिसमें से दो कहानी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। पहला जो है सैनिक तख्ता पलट 1973 में, और दूसरा जो पढ़ाने वाले हैं पोलैंड में लोकतंत्र। और इस पूरे कहानी में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर लोकतंत्र खत्म हो जाता है और फिर यहाँ पर लोकतंत्र की वापसी होती है। इन दोनों कहानी को पढ़ने के बाद आपके लिए दो लोकतंत्र की विशेषता निकल कर आएगी। तो हम लोग लोकतंत्र की दो विशेषता के विषय में पढ़ेंगे और फिर पूरी दुनिया में देखेंगे कि कहां पर लोकतंत्र है और कहां पर लोकतंत्र नहीं है। इसके लिए हम लोग नक्शे का उपयोग करेंगे और मेनली हम लोग तीन नक्शे देखेंगे। और ये तीनों नक्शे जो है अलग अलग समय, जैसे कि दुनिया में शुरुआती तौर पर लोकतंत्र कब था और उपनिवेशवाद का जब अंत हुआ तो उसके बाद किन किन देशों में लोकतंत्र आया, और वर्तमान में क्या स्थिति है लोकतंत्र की, यह भी देखेंगे। और फिर देखेंगे कि एक देश के लिए तो लोकतंत्र है ही, हम सभी जानते हैं कि जैसे कि अपना प्यारा भारत देश में भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, लेकिन क्या पूरी दुनिया को चलाने के लिए विश्व स्तर पर कोई किसी प्रकार का लोकतंत्र है? तो इसका जवाब होगा हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वह क्या है, एक प्रकार का विश्व स्तर पर लोकतंत्र है। फिर हम लोग देखेंगे कि क्या ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र है यह बेहतर तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और किसी भी देश को लोकतांत्रिक बनाने के लिए क्या उसे बाहरी समर्थन की जरूरत होती है या नहीं होती है, इन सभी चीजों के विषय में इस पूरे चैप्टर में देखेंगे। मेरा नाम है अजीत कुमार और मैं इस पूरे वीडियो को लेकर आपके समक्ष आया हूँ। आप किसी भी प्रकार के पर्सनल सवाल के लिए आप मुझे टेलीग्राम, माफ कीजिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोर्स पर फॉलो कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर मैं इन नामों से मौजूद हूँ। और अगर कोई भी छोटा मोटा पीडीएफ या कोई किसी भी तरह का सवाल आप मुझे डायरेक्ट पूछना चाहते हैं तो इसके लिए आप मुझे अजीत कुमार ऑफिशियल टेलीग्राम में फॉलो कीजिए। ये इससे होगा क्या कि कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो फोटो खींच के आप टेलीग्राम में भेज सकते हैं और वहाँ पर मैं आपको उस सवाल का जवाब भेज दूंगा। या फिर आपको किसी वर्ड में, किसी चैप्टर में, किसी टॉपिक को लेकर दिक्कत होता है तो आप इस टेलीग्राम में फोटो भेज सकते हैं और उस फोटो को देखूंगा और देखेंगे कि आपको क्या समस्या आ रही है और फिर हम आपके लिए उस सवाल का जवाब अपलोड करेंगे। या छोटा जवाब होगा तो मैं टेलीग्राम में ही वो जवाब आपको उपलब्ध करा दूंगा। आइए वीडियो में बढ़ते हैं आगे, और वीडियो को समझने से पहले कुछ चीजों को पहले देखते हैं। तो इससे पहले कि वीडियो शुरू करें तो कुछ शब्द जो आएंगे उसको पहले क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि पहला जो देश का नाम आएगा वह आएगा चिली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देश का नाम चिली लिखा गया है, इसे हम कभी कभी चीले भी लिखते हैं, तो दोनों ही एक ही है, ये देश का नाम है चिली। ओके, और इसकी जो राजधानी है वह सैंटियागो है और इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ के आसपास है। यहाँ पर देख सकते हैं 1.91 जो है करोड़ है, यानी कि 2 करोड़ के आसपास इसकी आबादी है। अब ये देश है कहाँ पर, आप ये देखिए, ये पूरा भारत, माफ कीजिए, विश्व का मानचित्र है और यहाँ पर देख सकते हैं ये है अपना प्यारा भारत। और इससे अगर आप इस ओर मूव करिएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये जो एरिया है इसे हम दक्षिणी अमेरिका कहते हैं। और इस दक्षिणी अमेरिका में ये जो लाल वाला भाग आपको दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, इस पोर्शन को हम कहते हैं चिली। दक्षिणी अमेरिका का एक देश है जिसे जिसकी नाम क्या है, चिली नाम है। अब इसे एक बड़ा सा मैप में देखिए, ये है पूरा दक्षिणी अमेरिका और इसमें ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ये हो गया, जो देश हो गया इसे हम क्या बोलेंगे, चिली देश। आगे एक और नाम मिलेगा आपको और वह जो नाम है उसे हम बोलेंगे सलवाडोर आयंदे, सलवाडोर आयंदे। तो ये जो नाम आपको मिलेगा, यहाँ पर जो आपको फोटो दिख रहा है ये इन्हीं का नाम है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इसलिए मैंने आपको ये फोटो भी दिखा दिया इस नाम से। एक और नाम मिलेगा, ये है वो नाम, और माफ कीजिए आगे आ गए, ये जो नाम है ऑगस्टो पिनोसे। ओके, तो यहाँ पर आप इनकी फोटो देख सकते हैं, ये है ऑगस्टो पिनोसे, यहाँ पर हम लिख देते हैं। ओके, तो आप फोटो देख सकते हैं यहाँ पर, ये एक जनरल है। अच्छा, एक और नाम मिलेगा आपको और उनका नाम है जारू जेल्सकी, जारू जेल्सकी, जिनका फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं।
अब बढ़ते हैं वीडियो में आके, और कोई भी नाम आएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका भी फोटो लगा दूंगा, और बाकी आप कहानी को ध्यान से सुनिएगा तो बाकी चीजें समझ में आने लगेगी। तो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं सैनिक तख्ता पलट। जैसा कि पहला दो कहानी हम लोग को पढ़ना था लोकतंत्र के दो किस्से, जिसमें से पहला जो पॉइंट था सैनिक तख्ता पलट 1973 में होता है चिले में। तो चिले क्या है, पहले ही आपको बता चुके हैं कि अगर आप दक्षिणी अमेरिका में जाइएगा तो वहां पर एक आपको देश मिलेगा, और उस देश का नाम क्या है, चिले, और इसकी राजधानी क्या है, सैंटियागो। साल्वाडोर आयंदे, ये नाम भी आपको बता चुके हैं। साल्वाडोर आयंदे जो है वह चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, और इन्होंने 1970 की राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। यानी चिले में राष्ट्रपति कौन है अभी, साल्वाडोर आयंदे। अभी की नहीं बात कर रहे, जहां हम कहानी पढ़ रहे हैं 1973 में हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं, और 1970 में साल्वाडोर आयंदे राष्ट्रपति के पद को जीत चुके हैं। अब सिंपल सा बात है कि कोई भी देश में जब राष्ट्रपति बनता है, चूंकि यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वह प्रमुख है, अपने देश की बात करें तो राष्ट्रपति जो है वह प्रमुख नहीं होता है, उनके पास पावर उतना नहीं रहता है। मेन जो पावर रहता है वह प्रधानमंत्री के पास रहता है, लेकिन इन देशों में राष्ट्रपति के पास प्रमुख पावर रहते हैं। इसीलिए ये जो राष्ट्रपति है, इन्होंने बहुत ज्यादा गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए फायदे वाले कार्यक्रम शुरू कर दिए। जैसे कि यहाँ पर पहला लिखा गया, शिक्षा प्रणाली में सुधार कर दिया गया, बच्चों को मुफ्त में दूध बांटना शुरू कर दिया गया, जो भूमिहीन किसान थे उनको जमीन देना शुरू कर दिया गया, यानी कि जमीन का उनका पुनर्वितरण किया गया, उसको फिर से जमीन बांट दी गई। विदेशी कंपनियों द्वारा देश से तांबा, प्राकृतिक संपदा को बाहर ले जाने का विरोध किया जाने लगा, यानी उन्हें मना किया जाने लगा कि आप हमारे देश से जो संसाधन है उसे नहीं ले जा सकते हैं, इन संसाधनों पर केवल और केवल मेरा अधिकार है। लेकिन उनकी नीतियों को मुल्क में चर्च, जमींदार वर्ग, अमीर लोग और बहुत सारे दूसरे अन्य राजनीतिक पार्टियां जो थी उन्हें पसंद नहीं आया, और वे इनको पसंद नहीं करते थे। और इसीलिए पूरे इन सभी लोगों ने मिल करके 11 सितंबर 1973 को, यानी 11 सितंबर 1973 को, पूरे जो इनके विरोध में थे, जैसे चर्च के लोग विरोध में थे, जमींदार वर्ग के जो लोग थे वे विरोध में थे। क्यों? क्योंकि इनकी जमीन को ले लिया जा रहा था और गरीबों में बांट दिया जा रही थी। इसके अलावा जो अमीर लोग थे वे भी क्या कर सकते थे, विरोध में आ गए थे, क्योंकि अब इनको लगने लगा था कि जो सामंती व्यवस्था पूरी दुनिया में चल रही थी वह क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और हमारी जो शक्तियां वह कम हो जाएगी। और दूसरी राजनीतिक पार्टियां को यह डर था कि अगर ये फेमस हो जाएंगे तो हम आगे कभी भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और इन सभी कारणों से लोग जो थे साल्वाडोर आयंदे, जो देश के राष्ट्रपति है, उन्हें पसंद नहीं कर रहे थे, और इसीलिए सभी उन्हें मिलकर के फौज का साथ दिया, और फौजों ने क्या कर दिया, तख्ता पलट कर दिया। तो ये था तख्ता पलट की कहानी। अब तख्ता पलट कैसे हुआ आगे आपको बताते हैं। 1973 का जो सैनिक तख्ता पलट हुआ उसे आप इस तरह समझिए, पहले तो 11 सितंबर 1973 की सुबह होती है, और जो नौ सेना का एक समूह, ओके ना, सेना में तीन सेना होता है ना, थल सेना, जल सेना और एक होता है वायु सेना। तो ये जो जल सेना है उसे ही हम क्या कहते हैं, नौ सेना कहते हैं। तो नौ सेना के एक समूह ने क्या कर दिया, बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। अब ये बंदरगाह होता क्या, बंदरगाह का मतलब होता है सी पोर्ट, ओके, समुद्र के किनारे का जो पोर्ट होता है, जहां पर जो पानी वाली जहाजें आकर के रुकती है उसे हम बंदरगाह कहते हैं, और जहां पर हवा में उड़ने वाली जहाज रुकती है उसे हम क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट कहते हैं, ओके। तो वहां पर क्या कर लिया गया, रक्षा, यानी कि उन्होंने कब्जा कर लिया। और जब ये बात रक्षा मंत्री को पता चला तो रक्षा मंत्री ऑब्वियसली बात है कि वो अपने कार्यालय पहुंचेंगे, ऑफिस पहुंचेंगे, तो जब वो वहां पर पहुंचे तो रक्षा मंत्री को ही क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अब सेना के जो अधिकारी थे, यानी कि जो सेना के मुख्य अधिकारी होंगे, उन्होंने राष्ट्रपति आयंदे से क्या बोला कि आप अपना पद को छोड़ दीजिए। अब ये बात सेना के अधिकारी बोल रहे, यानी कि देश की सेना ही अपने राष्ट्रपति को बोल रही है कि आप अपने पद को छोड़ दीजिए, नहीं तो हम क्या करेंगे, आपको किल कर देंगे, मार देंगे, ओके। तो उन्हें या पहला बात बोला गया, या तो आप पद छोड़ दिए, उनको ऑप्शन दिया गया, या तो आप इस्तीफा दे दीजिए और या तो आप देश से बाहर चले जाइए, इनमें से कोई एक काम कर दीजिए, बट इन्होंने मना कर दिया। और उसके बाद क्या किया, फौज ने राष्ट्रपति के निवास को घेर लिया और उस पर क्या करने लगे, बम बरसाने लगे, और इसी फौजी हमले में राष्ट्रपति आयंदे की मौत हो जाती है। लेकिन ये सारी चीजें होता कैसे, देखिए उस समय रेडियो काम कर रहा था, ओके, यानी कि जैसे ही
जैसे ही सेना ने क्या कर लिया, कब्जा किया सुबह को, तो उन्होंने ये पूरी खबर रेडियो के माध्यम से फैला दिया कि हमने क्या कर लिया, अब सत्ता जो है अपने हाथ में ले लिया, अब राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं रहा। लेकिन राष्ट्रपति अपने भवन में थे और अपने भवन में से ही उन्होंने रेडियो के माध्यम से पूरे देश के लोगों को भाषण दिया, समझाया कि लोकतंत्र जो है वह बहुत ही बेहतर शासन है, इससे बेहतर शासन कुछ भी नहीं हो सकता है। हालांकि 1973 में सैनिक तख्तापलट हो गया और जो राष्ट्रपति थे उनकी मृत्यु हो गई, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि बम बरसा दिया गया राष्ट्रपति निवास में यानी राष्ट्रपति भवन में। और इस तरह से राष्ट्रपति आयंदे, जिसका पूरा नाम सलवाडोर डाउर आयंदे हैं, उनकी मौत हो जाती है। लेकिन लोगों के अंदर उन्होंने एक भाषण के माध्यम से ये चेतना जगा दिया कि लोकतंत्र बहुत ही बेहतर है और आगे इसी का फायदा होता है और लोग लोकतंत्र को वापस ले आते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए कि जब देश में तख्ता पलट हुआ तो उसके बाद कुछ तो हुआ होगा। तो सबसे पहला पॉइंट कि आखिरकार ये जो सैनिक तख्ता पलट था ये कौन करवा रहे थे, तो यहाँ पर आपको नाम बता रहे हैं, जनरल ऑगस्टो पिनोसे, जिसका फोटो आपको शुरू में दिखाए थे। तो इन्होंने क्या किया था, सैनिक तख्ता पलट कर दिया। अब इनके पास इतना पावर नहीं है, किसी के पास भी इतना पावर नहीं है कि वो अपने देश के राष्ट्रपति के खिलाफ चले जाएं। तो आखिरकार इनको साथ कौन दे रहे थे, तो इनको साथ दे रहे थे अमेरिका की सरकार, जो है वह आयंदे के शासन से खुश नहीं थी और इसीलिए उन्होंने तख्ता पलट करने वाली गतिविधि में बहुत ज्यादा मदद किया। इनको जितने पैसे चाहिए थे वो पैसे क्या कहिए, उपलब्ध कराए, ठीक है। इस तख्ता पलट के बाद पिनोसे जो थे, यानी ऑगस्टो पिनोसे, जो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम है, वह क्या बन गए, राष्ट्रपति बन बैठे। और अगला 17 वर्षों तक इन्होंने क्या किया, राज किया। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि तख्ता पलट के बाद यहाँ चिली देश में जो एक लोकतांत्रिक देश था, वह लोकतांत्रिक सरकार खत्म हो गई और वहां पर जो नई शासन व्यवस्था आई उसे हम बोलते हैं सैन्य तानाशाही। सैन्य का मतलब होता है सेना और उनकी तानाशाही, उनकी मनमानी चलने लगी और इसीलिए इस व्यवस्था को कहते हैं सैन्य तानाशाही। पिनोसे की सरकार ने बहुत ही क्रूर काम किए, यानी कि आयंदे के समर्थकों को, लोकतंत्र की मांग करने वालों को, इनको बहुत ज्यादा दमन किया और उनकी भी हत्या कराई गई। अगर आप देखें तो कुल मिलाकर के बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी गई और लगभग 3000 लोगों की हत्या की गई जब पिनोसे की सरकार आई थी। और ये हत्याएं वो क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर पिनोसे की, माफ कीजिए, जो अगर इनका दमन नहीं किया जाए, इनकी हत्या नहीं किया जाए, तो ये क्या करेंगे, बार बार हमारा क्या करेंगे, विरोध कराएंगे। 3000 लोगों की हत्या कर दी गई, उनको मार दिया गया, बहुत सारे लोगों को लापता कर दिया गया और यानी कि जो शासन था वो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो गया था, बहुत ज़्यादा क्रूर हो गया था और लोग पिनोसे की सरकार को पसंद नहीं करने लगे थे। लेकिन फिर भी ये अगले 17 सालों तक राज किया और इन्हें कोई भी नहीं रोक पाए। अब ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि ये एक सैनिक तानाशाह वाला शासन है और इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अगर आप विरोध कीजिएगा तो आपका दमन किया जाएगा या तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारे लोग क्या हो गए, परेशान हो गए और अब लोग क्या चीज़ चाहने लगे कि पूरी तरह से वह चाहने लगे कि मुझे लोकतंत्र ही चाहिए। एक नाम आपको याद रखना है, ओके, तो वो नाम है जनरल अल्बर्टो बैसिल, ओके, जनरल अल्बर्टो बैसिल। और ये जो है ये कौन थे, वायु सेना के प्रमुख थे, ओके, वायु सेना के प्रमुख। तो आपको बता चुके हैं कि 3 सेना होती है, तो वायु सेना के जो जनरल थे उनको भी क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, इनकी बेटी को भी क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और इन दोनों के साथ भी बहुत ही खराब व्यवहार किया गया। और इस तरह से हम देखते हैं कि क्रूर व्यवस्था का उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं कि देश के जनरल जिनके पास हाई पावर होता है उनको भी बख्शा नहीं गया, क्योंकि ये किनकी साथ दे रहे थे, ये आयंदे का साथ दे रहे थे। अब आइए देखते हैं कि इस देश में लोकतंत्र की वापसी कैसे होती है। तो लोकतंत्र की वापसी की कहानी पढ़ते हैं। 17 वर्षों तक राज करने के बाद जो पिनोसे की सरकार है, यानी ऑगस्टो पिनोसे की सरकार है, उनको लगा कि लोग अब हमें पसंद करने लगे और 1988 में, एकदम डेट याद रखिएगा, 1988 में उन्होंने क्या करवा दिया, जनमत संग्रह कराने का फैसला करा दिया। जनमत संग्रह क्या होता है, जनमत संग्रह एक ऐसी कह सकते हैं चुनाव होता है जिसमें सिर्फ आपसे ये पूछा जाता है कि आपको पसंद है हाँ या नहीं, हाँ और नहीं में जवाब पूछा जाता है। तो
उन्हें भरोसा था कि लोग क्या करेंगे, हमारी शासन को हाँ कहेंगे और हमारा जो शासन है वह क्या रहेगा, जारी रहेगा। यानी कि सिंपल सा जो पिनोशे है उन्होंने जनता से ये पूछा था कि अभी जो शासन व्यवस्था है उसे जारी रखा जाए या फिर उसे खत्म कर दिया जाए। तो लोगों ने पूरे बहुत सारे बहुमत से इनकी सत्ता को क्या कर दिया, ठुकरा दिया और लोग अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को खत्म करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाने लगे। क्यों? क्योंकि आयंदे ने जो भाषण दिया था लास्ट क्षण में वह सबको सब लोगों को याद आने लगा और आयंदे की जो लास्ट वाली भाषण थी वह बहुत ही अच्छी थी, जिसमें उन्होंने लोकतंत्र के लिए खुद की कुर्बानी दी थी और लोगों को बोला था कि जब तक दुनिया में लोकतंत्र रहेगा तब आपका जो शासन व्यवस्था है वह बेहतर होगा। और इस प्रकार से पिनोशे की सरकार पूरी तरह से खत्म हो जाती है क्योंकि जनमत संग्रह में वह हार जाते हैं और हारने के बाद धीरे धीरे जो सेना का शासन है वो जल्द ही खत्म नहीं होती है, राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वह मिल जाती है, लेकिन सैनिक शासन बहुत धीरे धीरे जाकर के खत्म होती है। और आगे जो है जो भी सरकार बनती है वह क्या करती है, जांच का आदेश देता है कि जांच करके बताइए कि आखिरकार कितना क्रूर था पिनोशे की सरकार, उन्होंने कितने लोगों की हत्या करी और क्या क्या किया। तो उन्होंने देखा कि जो पिनोशे की सरकार थी वह केवल क्रूर ही नहीं थी, वह बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार थी, भ्रष्ट था, जनता के पैसे को खाती थी और किसी भी प्रकार का जो जनता के लिए काम नहीं करती थी। जनवरी 2006 की बात है, राष्ट्रपति आयंदे की बेटी मिशेल बैलेस चिले की राष्ट्रपति बनी, माफ कीजिए यहाँ पर गलत लिखा गया, ये राष्ट्रपति आयंदे की बेटी नहीं थी बल्कि ये जनरल अल्बर्टो बैसेल की बेटी थी। तो ये भी क्या बनी, जिनका नाम है मिशेल बैसेले। तो ये नाम मैंने आपको पहले ही बताया कि जनरल अल्बर्टो बैसेलो, ठीक है ना, इन बैसेले यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ओके। तो इनकी बेटी जो है वह आगे चल के क्या बन गई, ये भी राष्ट्रपति बनी। आने वाले समय में और भी राष्ट्रपति बने और बदलाव होते रहे और ऐसा भी रिपोर्ट आया था, ओके, न्यूज था कि दुनिया में, पूरी दुनिया में जो सबसे युवा राष्ट्रपति जो है वह चिली देश के ही बने थे और इनका उम्र मात्र कितने वर्ष का था, 37 वर्ष का था। तो ये सारे न्यूज भी निकल कर ही आया और अभी यहाँ पर लोकतंत्र बेहतर तरीके से चल रहा है। अब देखिए किसी भी देश के विषय में अगर आप पढ़ते हैं तो थोड़ी जो है करंट नॉलेज भी आपको रखना चाहिए। तो आप दो चीज गूगल करके जानकारी हासिल रखिएगा, पहला चीज कि वर्तमान में आखिरकार जो है चिली की राष्ट्रपति कौन है और वहां पर क्या स्थिति हो रहा है। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो अभी वहां पर नए संविधान के बनाने की मांग चल रही है और वह पूरा भी हो जाएगा क्योंकि वहां पर नए नए जो आर्थिक असमानता है वह आ चुका है और इस आर्थिक असमानता को खत्म करने के लिए वहां पर नए संविधान की मांग चल रही है। तो एक छोटा सा बात था आपको बता दिए। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, वह चीज ये कि यह है कि मैं अभी करंट में वीडियो जो बना रहा हूं आज का डेट है 17 है, मैं आज 17/01/22 को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आने वाले समय में बार बार ये बदल सकते हैं, हो सकता है कि आप बाद में वीडियो देखिएगा तो करंट में जो राष्ट्रपति है वे बदल सकते हैं, इसलिए करंट वाला आप गूगल करके जरूर जानकारी में रखिएगा। तो ये था चिली देश का कहानी। अब आइए एक और कहानी पढ़ते हैं, ये भी लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है और ये देश कहानी है पोलैंड देश का। तो कहानी पढ़ते हैं पोलैंड में लोकतंत्र। देखिए इस कहानी में जो देश है वो पोलैंड है, तो आगे जब आपको हम सोवियत संघ का नक्शा दिखाएंगे तभी आपको पोलैंड दिखा देंगे, फिलहाल कहानी आपको बताते हैं। कहानी ये है कि 1980 में पोलैंड पर जारू जेल्सकी के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था। अब यहाँ पर क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है कि इस देश में ये वाली जो पार्टी आपको बताएं, क्या नाम बताएं याद रखिएगा, पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, ये जो पार्टी है केवल यही पार्टी चुनाव लड़ सकती है, चुनाव में भाग ले सकती है, बाकी किसी भी राजनीतिक दल को भाग लेने की अनुमति नहीं है। लोग साम्यवादी शासन दल के पदाधिकारी का चुनाव अपनी इच्छा से भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि सिंपल कहा जाए तो लोग का जो शासक होगा वह लोग खुद नहीं चुनते थे। अब यहां पर बहुत सारी समस्या थे, नेताओं या पार्टी या सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं, नहीं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, यानी कि आप विरोध नहीं कर सकते हैं, विरोध कीजिएगा तो आपको कहां पर डाल दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। अब इन सभी चीजों, सोच सकते हैं कि पहले तो आप अपने सरकार को नहीं बदल सकते हैं, राजनीति में भाग नहीं ले सकते हैं और सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, सरकार के मन में जो आएगा
वह करेगा। आखिरकार पोलैंड ऐसा कर क्यों रहा था? क्योंकि पोलैंड एक साम्यवादी देश था। साम्यवादी एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें ऐसा कहा जाता है कि सबको समानता के साथ लेकर के चलता है, लेकिन इसमें बहुत ही खराब व्यवस्था होती है। जो शासक होता है वह धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा तानाशाह हो जाता है और वह अपनी मनमानी करने लगता है। पोलैंड ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि ये एक साम्यवादी देश था और साथ ही साथ दुनिया का सबसे बड़ा साम्यवादी देश सोवियत संघ, इनका यह समर्थन हासिल था। यानी कि ये सोवियत संघ पोलैंड को क्या करते थे, साथ देते थे, इसीलिए ये ऐसा कर रहे थे। अब देखिए, किसी भी देश में अगर ऐसा होगा तो लोग क्या करेंगे, इसका विरोध तो करेंगे। तो देखिए यहाँ पर विरोध होता है, तो यहाँ पर देखिए एक नाम लिखिएगा, लेलिन जहाज कारखाना। ओके, ये कारखाना का नाम है। यहाँ पर मजदूर हड़ताल पर आ गए। तो इन्होंने कौन सा उल्लंघन किया, सरकार का जो नियम कानून है कि आप सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं, इस नियम को इन्होंने तोड़ दिया क्योंकि मजदूरों ने हड़ताल कर दिया और सरकार के खिलाफ आवाज उठा दिया। 14 अगस्त 1980 को डॉस्क, यहाँ पर डॉस्क नहीं होगा, गंडास्क होगा, ठीक है, गंडास्क लिख देते हैं हम यहाँ पर, इस तरह से होगा। ये शहर का नाम है गंडास्क शहर। गंडास्क शहर में लेलिन जहाज कारखाने के मजदूरों ने तो हड़ताल कर दिया। मजदूरों ने एक क्रेन चालक महिला, क्रेन गाड़ी जानते हैं ये हम लोग सभी, तो जो क्रेन चलता होगा फैक्ट्री में, कारखाना में, तो यहाँ पर क्रेन चालक महिला को क्या कर दिया, गलत ढंग से नौकरी से निकालने का खिलाफ में हड़ताल किया था। अब आपको समझ में आ गया हड़ताल क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पर एक महिला है जिसे नौकरी से निकाल दिया गया था और उसके ही विरोध में ये हड़ताल शुरू की गई थी। अब चूंकि हम पहले ही आपको बता दें कि कानून के अनुसार आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये गैर कानूनी है, इस देश की बात कर रहे हैं, पोलैंड देश की, ओके, लेकिन यहाँ पर जो मजदूर है उन्होंने इनका विरोध कर दिया, यानी कि इस नियम को तोड़ दिया और जहाज के कारखाने में उन्होंने हड़ताल शुरू कर दिया। कब शुरू हुआ, 14 अगस्त 1980 को। अब एक और थोड़ा सा बात सुनिए, यहाँ पर क्या हुआ था, जहाज के कारखाने में एक इलेक्ट्रीशियन था जिसका नाम था लेक वालेसा। ओके, क्या नाम बोल रहे, लेक वालेसा। तो इनको क्या किया था, 1976 में, यानी कि जब हड़ताल शुरू हो रही है उससे 4 साल पहले ही इसे क्या कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। अब चूंकि अभी हड़ताल चल रहा है तो ये इसका फायदा उठाए और दीवार को तड़प के बाउंड्री में घुस गए और फैक्ट्री में अंदर चल गए और वह भी हड़ताल में साथ हो गए कि हमें भी निकाल दिया गया है, हमें भी क्या कीजिए वापस लीजिए। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जो लोग है वो मौके का फायदा उठाने लगा और ये जो इलेक्ट्रीशियन है लेक वालेसा, ये भी जो है जिसे निकाल दिया गया था वह भी हड़ताल में साथ देने लगे। लेकिन जो हड़ताल का इसका समर्थन धीरे धीरे बढ़ता चला गया और मजदूर जो अब छोटी सी मांग कर रहे थे, चूंकि ये पूरे शहर में फैल गया था, अब ये बड़ी बड़ी और ज्यादा बड़ी बड़ी मांगे करने लगे। सबसे पहले उन्होंने बोला कि मजदूरों के लिए एक मजदूर संघ होना चाहिए जो पूरी तरह से स्वतंत्र हो और उनकी मांग को पूरा करने के लिए जरूरी है। उन्होंने यह मांग भी की कि राजनीतिक बंदी जो राजनीति में भाग लेते हैं और उनको आप बंदी बना लेते हैं, ऐसे व्यक्ति को राजनीतिक बंदियां कहते हैं, इनको रिहा किया जाए और प्रेस पर लगी सेंसरशिप, यानी कि प्रेस अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकती और आप सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं, तो इस चीज को हम बोलते हैं प्रेस पर लगी सेंसरशिप। ओके, जो अखबार में होगा सरकार जो कहेगी वही आपको छापना पड़ेगा, इस सेंसरशिप को क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए क्योंकि सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, सेंसरशिप को हटा देना चाहिए। अब चूंकि हड़ताल बहुत ही तेज था तो अंततः सरकार को हार माननी पड़ी और जो है बहुत ज्यादा जो आंदोलन है वो तीव्र हो गया। और यहाँ पर आपको एक नाम बताए थे लेक वालेसा, ये इतना ज्यादा फेमस हो गया कि ये आगे चल के जितना भी जो हड़ताल हो रहा था इसका लीडर बन गया, नेता बन गया ये धीरे धीरे। ओके, लोग इसकी बात को मानने लगे। तो लेक वालेसा के नेतृत्व में मजदूर सरकार के साथ 21 सूत्री करार किया और हड़ताल को खत्म कर दिया। 21 सूत्री करार का मतलब होता है कि उन्होंने 21 मांगों को क्या कर लिया, मान लिया, और इस प्रकार से सरकार ने स्वतंत्र मजदूर संघ के गठन के लिए मजदूरों के अधिकार के मान्यता पर सहमति हासिल कर दी, यानी कि सहमत हो गए। अब चूंकि सहमत हो गए तो ऐसे मान तो होगा नहीं, तो यहाँ पर एक संधि हुआ। ओके, चूंकि हम आपको शहर का नाम पहले ही बताए थे गंडास्क शहर, ओके, तो इसी शहर में एक संधि होता है और इस संधि का नाम होता है गंडास्क संधि।
और इसमें एक नया मजदूर संगठन बनाया जाता है जिसका नाम आता है सोलिडरनोस्क। सोलिडरनोस्क ओके, यह एक पोलैंड लैंग्वेज है, हो सकता है कि मेरा जो प्रोनंसिएशन है वह थोड़ा गलत हो जाए, लेकिन यही नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका नाम है सोलिडरनोस्क। तो किसी भी साम्यवादी देश में, इन्होंने तो एक इतिहास रच दिया, अभी तक किसी भी देश साम्यवादी देश की बात कर रहे हैं वहां पर मजदूर संघ का गठन नहीं हुआ था, और यहां पर तो पहली बार स्वतंत्र मजदूर संघ का गठन कर दिया गया। सरकार के कुप्रबंधन भ्रष्टाचार की व्यापकता का किस्सा सामने आने लगा, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता दी गई, यानी कि अखबार जो मन चाहे वो छाप सकता है, सरकार के खिलाफ छापने लगा, सरकार जो जो गलतियां कर रही थी लोगों को दिखाने लगा, और लोग इतने ज्यादा सरकार के खिलाफ हो गए कि सरकार को लगने लगा कि अब जो है हम परेशान हो गए, उनकी परेशानी बढ़ने लगी, और लगा कि अब देश कंट्रोल से खत्म, मतलब कि मेरे कंट्रोल से बाहर हो रहा है। और जो देश का शासक था, जो जिसे हम बोलेंगे जनरल जारू जेल्सकी, ओके यहाँ पर जारू जेल्सकी होगा, मैं लिख देता हूँ जारू जेल्सकी, तो ये है जारू जेल्सकी का स्पेलिंग, ओके। तो जारू जेल्सकी के नेतृत्व वाली सरकार बहुत ज्यादा बौखला गई, और उन्होंने 1981 में दिसंबर के, यानी कि 1981 तो लगभग खत्म होने वाला है, मार्शल लॉ घोषित कर दिया। यहाँ पर इस दिसंबर क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1980 में तो आंदोलन शुरू हुआ, 81 तक ठीक चला, और 1982 लगभग 82 आने वाला है क्योंकि दिसंबर आ चुका है, यानी 81 तक सब चीज ठीक रहा, लेकिन 82 आते आते जो जनता है उन्होंने सरकार के इतने खिलाफ बोल दिए, इतनी बातें सरकार की सामने आने लगी कि लगभग दिसंबर 1981 में उन्होंने देश में क्या कर दिया, मार्शल लॉ लागू कर दिया। और आपको पता है मार्शल लॉ में सारा पावर खत्म हो जाता है, और सारा पावर किसके पास आ जाता है, जनरल के पास आ जाता है। सॉलिडारिटी जो आपको बता चुके हैं एक मजदूर संगठन है, यहाँ पर आपको बता दिए हैं, ओके, इनके हजारों सदस्यों को जेल में डाल दिया गया। संगठन बनाने, विरोध करने, अभिव्यक्ति की आजादी, जो सेंसरशिप हटाया था उसे फिर से लागू कर दिया गया, और अभिव्यक्ति की आजादी को क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। तो आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र था, लोकतंत्र में सुधार आया था, लेकिन उस सुधार को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब यहाँ पर फिर से कहानी शुरू होगी, किसके लिए, लोकतंत्र की वापसी के लिए। तो लोकतंत्र की वापसी के लिए यहाँ पर क्या हुआ, आइए देखते हैं। 1988 का कहानी है, ओके, 1981 दिसंबर 1981 में अभी आपको बता चुके हैं यहाँ पर क्या लग चुका है, मार्शल लॉ लग चुका है। 1988 में सॉलिडेरिटी ने फिर से हड़ताल करने शुरू कर दी, और लेक वलेसा इस बार फिर से अगुवाई कर रही थी, चूंकि मैंने पहले ही बता चुका है कि लेक वलेसा जो है बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है। इस समय पोलैंड की सरकार पहले से कमजोर थी, क्योंकि पहले बता चुके हैं कब, 1981 से, अब समय कितना आ गया, 1988, और सरकार थोड़ी सी कमजोर थी, क्यों, क्योंकि सोवियत संघ से मदद का पहले जैसा भरोसा नहीं था, अर्थव्यवस्था तेजी से गिर रही थी, और अप्रैल 1989 यानी 1989 में लेक वलेसा के साथ समझौता का वार्ता तय कर दिया, यानी कि उनको लगा, सरकार को लगा कि अब हम हार सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने लेक वालेसा के साथ समझौता कर दिया, समझौता का वार्ता हुआ, एक दौर चला, और फिर यहाँ पर स्वतंत्र चुनाव कराने की मांग मान ली गई, यानी कि अब जो देश में है वह स्वतंत्र चुनाव होगा, और चुनाव के बाद सॉलिडेरिटी जो आपको बता चुके एक मजदूर संगठन है, वह 100 सीटों में से 99 सीटों में सफलता मिल गई, देख रहे हैं, यानी मजदूरों ने सरकार का पूरी तरह से विरोध किया, 100 सीट में से 99 सीट मजदूरों का जीत गया, चूंकि मजदूरों की सीट जीत चुकी है तो सरकार भी उनके ही अनुसार से बनेगा। तो अक्टूबर 1990 में पोलैंड में राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव हुआ, जिसमें से एक से ज्यादा दलों ने हिस्सा लिया, पहले केवल एक ही राजनीतिक दल को भाग लेने का कह सकते हैं अनुमति थी, लेकिन अब एक से ज्यादा दलों ने भाग लिया, और इसमें लेक वलेसा जीत गई, और सभी ने मिलकर के लेक वलेसा को पोलैंड का राष्ट्रपति चुन लिया। तो ये था पूरे लोकतंत्र की वापसी की कहानी। अब इस पूरे कहानी को बेहतर तरीके से समझने के लिए, अभी तक मैंने जितनी भी कहानी बताया आपको, इसके लिए आप इसको फिल कीजिए, तब आपको और भी कहानी बेहतर समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक फिल करके दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा है चिले में पिनोसे की सरकार, ओके, तो जब चीने में पिनोसे की सरकार थी तो वहां पर फौज का तानाशाही था, यानी कि पहला पॉइंट यहाँ पर आ गया क्या, फौज का तानाशाही, ओके। और
लोग क्या हो रहे थे, लापता हो रहे थे। मैंने आपको बताया कि लोगों के साथ लोगों की हत्याएं हो रही थी, लोग क्या हो रहे थे, लापता हो रहे थे। ये किसके शासनकाल में हो रहा था? पिनोशे के शासनकाल में हो रहा था। ओके, तो यहां पर देखिए दो चीज मैंने फील किया। अब आपको जब चिले में आयंदे की सरकार थी तब क्या हो रहा था, जब चिले में मिशेल बैसेल्स की सरकार आई तब क्या हो रहा था, उसके बाद पोलैंड में जारू जेल्सकी की सरकार थी तब क्या हो रहा था, और पोलैंड में लेक वालेसा की सरकार थी तब क्या हो रहा था। आपको अपने से नहीं सोचना है, यहाँ पर बहुत सारे शब्द लिखे गए हैं, आपको इन्हीं में से ढूंढना है और आपको क्या करना है, फील करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके किताब में भी दिया हुआ है, आप उसे ढूंढिए कहाँ दिया है, और अगर यहाँ से करते हैं तो और ज्यादा बेहतर होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और लोकतंत्र की दो विशेषता को पढ़ते हैं। मैंने आपको लोकतंत्र के किस्से तो पढ़ा दिए हैं, लेकिन अब आइए लोकतंत्र की कुछ विशेषता पर चर्चा करते हैं। देखिए लोकतंत्र की दो यहाँ मुख्य विशेषता है। अभी जो दो कहानी पढ़े उससे जो निष्कर्ष निकलता है उसमें जो पहला है ये है कि सिर्फ लोगों द्वारा चुने गए नेताओं को ही देश में शासन करना चाहिए। यानी कि जो नेता लोग चुनेंगे, क्या जारू जेल्सकी को किसी लोगों ने चुना था? बोलेंगे नहीं। तो लोगों ने किसको चुना? लोगों ने चुना लेक वालेसा को। यानी वालेसा जो है वह क्या हो गई, सरकार में आई, और इनको किसने चुना है? लोगों ने चुना, और इन नेताओं के द्वारा ही देश में शासन होना चाहिए। लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी, यानी सरकार के खिलाफ बोलने और पेपर यानी न्यूज पेपर्स, मीडिया, प्रेस में किसी भी प्रकार का सेंसरशिप नहीं होना चाहिए। लोगों को संगठन बनाने की आजादी होना चाहिए, लोगों को विरोध करने की आजादी होना चाहिए, और साथ ही साथ राजनीति में भी भाग लेने की आजादी मिलनी चाहिए। तो इस तरह से लोकतंत्र की ये दो मुख्य विशेषता है। अगर किसी भी देश में ये दो मुख्य विशेषता है तो वे एक बेहतर लोकतंत्र माना जाएगा। अब चर्चा करते हैं लोकतंत्र के तीन नक्शों पर। ये पहला नक्शा है, इसके बाद ये दूसरा नक्शा है, और ये जो है ये तीसरा नक्शा है। तो पहला नक्शा हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं लोकतंत्र के तीन नक्शे में ये जो नक्शा है ये पहला नक्शा है। इसमें आपको दो रंग दिख रहा है, पहला जो रंग है वह लाल रंग है और दूसरा है जिसे आप पीला कह सकते हैं। वैसे ये मेरे ख्याल से पीला तो नहीं है, लेकिन मैं चलिए पीला मान लेता हूँ। तो लाल रंग वह देश है जैसे जिसमें जो है 1900 से लेकर के 1950 तक में लोकतंत्र आ चुका था। यानी 1900 से लेकर के 1950 के बीच में लोकतंत्र क्या हुआ है, आ चुका है। और दूसरा जो आपको देश दिख रहा है जिसमें अपना प्यारा भारत आ रहा है, इसमें 1900 में नहीं आया, लेकिन 1950 से पहले ही आ चुका है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अपना प्यारा भारत 1945 में आजाद हो चुका है, माफ कीजिए 1947 में आजाद हो चुका है, और हम लोग 15 अगस्त 1947 को आजाद हो चुके हैं। यानी कि 1950 से पहले ही हमें आजादी मिल चुकी है। तो हम क्या देखे, हमने देखा कि 1900 तक विश्व में कुछ ही लोकतांत्रिक शासन वाले देश थे, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा अमेरिका, अमेरिका वो देश था जो लोकतांत्रिक हो चुका था। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रांस, और फ्रांस में आपको पता है 1789 से ही यहाँ पर क्या चल रहा है, फ्रांस में क्रांति चल रहा है, जिसकी क्रांति की कहानी आप जरूर पढ़े हैं अपने किताब में, इसलिए मैंने आपको ये चीज बता दिया। वैसे अमेरिका में भी क्रांति होती है और क्रांति के बाद ही वहां पर लोकतंत्र की स्थापना होती है, लेकिन फ्रांस वाली आप पढ़े ही हैं, 9th के चैप्टर हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए लिंक से आप उसे जरूर देखिएगा। ये भी आपके पूरे सिलेबस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये अभी ही नहीं बल्कि क्लास 10th में भी आपको बहुत ज्यादा साथ देता है। इसके बाद फ्रांस, इंग्लैंड इन सभी देशों में आ चुका था, लेकिन बाद में 1950 के बाद जैसा कि मैंने आपको बोला भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार इन देशों में भी क्या हुआ, लोकतंत्र की स्थापना हो गई। ओके, अब एक और दूसरा नक्शा देखते हैं। इस नक्शे में क्या है, इस नक्शा जो है ये 1975 का है, यानी कि 1950 से बाद का, 1950 के बाद का नक्शा है। 1975 में जो लोकतंत्र है वो ज्यादा और थोड़ा फैल गया और लोकतंत्र धीरे धीरे और भी देशों में आने लगा। और आप देख सकते हैं ये है अफ्रीका का पहला देश और इसमें भी लोकतंत्र की स्थापना हो गई। तो देख सकते हैं कि लोकतंत्र का जो स्थापना है वह धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ रहा है। जो देश पहले लोकतांत्रिक नहीं था वह देश भी लोकतांत्रिक होने लगा, और अब धीरे धीरे अफ्रीका में भी लोकतंत्र की स्थापना की ओर जा रहे हैं। ये अंतिम और तीसरा नक्शा है,
और इस नक्शे में 2000वीं लोकतांत्रिक सरकार की बात की गई है, यानी 1975 से अगर आप 25 साल बात कर लेते हैं, यानी इसमें प्लस कर लेते हैं, तो आप आ जाइएगा 2000 में। ओके, तो 25 सालों में आप देख सकते हैं दुनिया में इतना परिवर्तन हुआ कि आज लगभग सभी देश लोकतांत्रिक है, उसमें कुछ ही ऐसे देश हैं जो गैर लोकतांत्रिक देश हैं। अगर हम बात करें इस कंटिनेंट का, ये जो महादेश है या महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, इसमें ज़्यादातर देश आपको क्या मिलेगा, लोकतांत्रिक मिलेगा। अगर हम बात करते हैं यूरोप की, तो यूरोप में आपको ज़्यादातर देश क्या मिल रहे हैं, लोकतांत्रिक मिल रहे हैं। अगर हम बात करें दक्षिणी अमेरिका का, तो यहाँ पर आपको एक देश छोड़कर के बाकी सभी देशों में आपको क्या दिख रहा है, लोकतांत्रिक सरकार दिख रही है। अगर हम भारत की, जिसे हम एशिया का क्षेत्र कहते हैं, एशिया के क्षेत्र में भी आप देखिएगा, तो यहाँ पर आपको कुछ मध्य एशियाई देश और चाइना को छोड़ करके बाकी देशों में लोकतांत्रिक सरकार ही है। और अफ्रीका में भी आपको लोकतांत्रिक सरकार देखने को मिलती है, अफ्रीका में बहुत ही कम है, रेशियो बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना बहुत ही अधिक हो चुकी है सन 2000 आते आते। सन 2000 आते आते आधे से अधिक देश में लोकतांत्रिक स्थापना हो गई, हम ऐसा कह सकते हैं। और सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ। सोवियत संघ आपको मानचित्र आगे दिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए, जो भी शब्द आ रहे हैं सब आपको क्लियर करते चलेंगे। तो तीनों नक्शे में क्या ऐसा क्यों परिवर्तन देखने को मिला, इसका कारण है कि ये जो तीनों नक्शे हैं ये अलग अलग समय का है। पहला जो है वह शुरुआती दौर का है, और दूसरा जब उपनिवेशवाद जब खत्म हो रहा था, यानी कि देश जब आज़ाद हो रहे थे। ओके, हम जो थे ना उपनिवेश में थे, उपनिवेश, उपनिवेश होता क्या है, तो उपनिवेश का मतलब होता है जब कोई देश किसी दूसरे देश का गुलाम होता है तो वह किसी दूसरे देश का उपनिवेश हो जाता है। यानी भारत किसका उपनिवेश था, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। ओके, तो भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, और अब दुनिया में उपनिवेशवाद क्या हो रहा था, खत्म हो रहा था, इसलिए लोकतांत्रिक देश की संख्या बढ़ रही थी। और हाल में बहुत सारे देश के लोगों को लगा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बढ़िया है, तो उन्होंने भी अपना कदम लोकतंत्र की ओर बढ़ाया। तो आइए अब एक एक करके पहले देखते हैं कि आखिरकार शुरुआती स्थिति कैसा था और क्या क्या चीजें हो रहा था। तो पहले करते हैं, शुरुआत से ही शुरुआत कर देते हैं। तो शुरुआत में कहानी पड़ती है 1789 यानी 1789 फ्रांस की क्रांति में। फ्रांस में जो था वहाँ पर टिकाऊ पक्के लोकतंत्र की स्थापना नहीं की थी, लेकिन फ्रांस में क्रांति से पूरे यूरोप में जगह जगह लोकतंत्र के लिए संघर्ष होने लगा था, इनसे इनको प्रेरणा मिल गई थी। ओके, यानी कि जो यूरोप है वहाँ फ्रांस की क्रांति से लोकतंत्र की बात आने लगी। 18वीं शताब्दी आई दुनिया में, 19वीं शताब्दी आई, और इसके बाद लोगों को राजनीतिक घटनाक्रम अच्छा लगने लगा, राजशाही सामंती व्यवस्था ये बिल्कुल ही खराब लगने लगा, और इस तरह से लोगों ने राजतांत्रिक यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर कूच किया। आगे बढ़ते हैं, आगे 1776 का बात है, जब उत्तर कोरिया में स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तथा एक साथ मिलकर के संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात आधुनिक अमेरिका का गठन कर दिया। ओके, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, ब्रिटिश थे और उस ब्रिटिश ने क्या किया, अमेरिका को छोड़ दिया। यानी हम क्या देखे, हमने देखा कि जो अमेरिका है उसको किसने गुलाम बनाया था, ब्रिटिश ने गुलाम बनाया था, और 1776 ओके 1776 में ही अमेरिका को आज़ादी मिल गया। आगे और देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, 1787 का बात है, यहाँ पर भी लोकतंत्र और ज़्यादा तेज होने लगा था, संविधान को बहुत तेजी से मंजूर दिया जाने लगा था, और इस व्यवस्था में मतदान का अधिकार जो था वह पुरुष तक ही सीमित था, तो ये भी एक कमी थी। धीरे धीरे जो मतदान का अधिकार है ना केवल मर्दों को बल्कि औरतों को, अमीरों को, गरीबों को, श्वेत हो यानी गोरे लोगों या काले लोगों, अश्वेत हो, इन सबको देने लगा, यानी कि अब वोट देने का अधिकार सबको मिलने लगा, इसकी मांग होने लगी, और इसीलिए एक नया शब्द आया जिसे हमने बोला सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या सार्वभौमिक मताधिकार। ओके, सार्वभौमिक का मतलब कि अब जब समानता आ ही गई, लोकतंत्र आ ही गया, और लोकतंत्र को जब सबसे अच्छा बोला जा रहा है, तो हमें अपनी मांगे क्यों नहीं दी जा रही है, हमें भी तो अधिकार होना चाहिए। और इसीलिए जो भी लोकतांत्रिक देश बना उसमें आपको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देखने को मिलता है, हमारे भी देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है।
यूरोप की बात करें या उत्तरी या दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो इन देशों में सबसे पहले आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना हुई, यानी यहाँ पर समानता और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये सारी चीजें सबको मिलने लगा, चाहे वो औरत हो, मर्द हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको। और इस तरह से उन क्षेत्रों में, यूरोप, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्रों में लोकतंत्र की स्थापना हुई और इन क्षेत्रों में ही पहले लोकतंत्र आया। अब दूसरी कहानी पढ़ते हैं, उपनिवेशवाद का अंत। देखिए, ये जो उपनिवेश शब्द है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा एक और चैनल है और उस चैनल का नाम है अवी क्लासेस डाउट्स, और इस डाउट्स में मैं ऐसे ही सवाल पर वीडियो बना के अपलोड करता हूँ, जैसे उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, या फिर और भी जैसे कोई शब्द आता है और उस शब्द का आपको अर्थ नहीं पता चलता है, तो वैसे ही शब्दों के अर्थ उस चैनल पर अपलोड करते हैं, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज, और वहां पर आप जाइएगा और आपके काम का वीडियो होगा तो देखिएगा। और आपको ये बता देते हैं कि काम की ही वीडियोज है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अपना कोई भी डाउट अगर आपको होता है, SST में हो, साइंस में हो, मैथ में हो, आप अपना डाउट यानी कि अपना जो सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखिए, आने वाले वीडियोज में हम आपके सवालों का वीडियोज अभी क्लासेस डाउट्स में अपलोड करेंगे। वो एक इंडिविजुअल वीडियो है, यानी कि एक वीडियो में हम आपको बहुत बेहतर तरीके से एक सवाल का जवाब एक्सप्लेन करके देंगे, ताकि आप बोर नहीं होइएगा और आपको एक सवाल के लिए फालतू वीडियो देखने का जरूरत नहीं होगा। बहुत बार होता है कि आपको केवल एक सवाल का जवाब ढूंढना पड़ता है और आपको एक घंटा का पूरा वीडियो देखना पड़ता है। वह सब खत्म करके हमने एक नया चैनल बनाया जिसमें हम आपको ऐसे ही एक सवालों का जवाब एक वीडियो में देंगे, ओके। तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तो वहां पर आप उपनिवेशवाद वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब आइए 1945 में कहानी पढ़ते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध में जिन जिन देशों ने दूसरे देशों को गुलाम बनाया था, वह भी कमजोर पड़ने लगे, उसके पास भी आर्थिक कमी होने लगी, और इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, उन देशों को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बनाना शुरू कर दिया। बहुत सारे देशों में अभी भी लोकतंत्र कायम नहीं हुआ था, लेकिन अब 1945 के बाद बहुत सारे देशों में लोकतंत्र आने लगा, और इसमें जो सबसे आगे निकला वह है पश्चिमी अफ्रीका का घाना देश। यानी मैं यहाँ पर यह बताना चाह रहा हूँ कि घाना जो है वह सबसे पहले आजादी पाने वाला, यानी सबसे पहले लोकतंत्र हासिल करने वाला अफ्रीका का पहला देश है, और इनको कब मिला था, 1957 में, ओके। हमें कब मिला है, 1947 में हमें आजादी मिली है, और हमसे 10 साल बाद यानी 1957 में घाना देश भी अफ्रीका का सबसे पहला देश आजाद हुआ और लोकतांत्रिक देश बन गया। घाना का पहले नाम क्या था, नाम था गोल्ड कोस्ट, ओके, गोल्ड कोस्ट नाम था, और ये नाम किसने रखा था, ब्रिटिश ने रखा था, और ये ब्रिटिश का ही उपनिवेश था। भारत किसका उपनिवेश था, ब्रिटिश का उपनिवेश था, और घाना देश भी ब्रिटिश का ही उपनिवेश था। आजादी के बाद यहाँ पर एनक्रूमा, ओके, एनक्रूमा यहाँ पर होगा, एनक्रूमा घाना की आजादी में बहुत ही आगे लड़ाई लड़ी थी और सक्रिय भूमिका निभाई थी, इसलिए ये जब आजाद हुआ तो ये घाना देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए, और फिर जाकर के ये आगे राष्ट्रपति भी बने। उन्होंने अपने देश को आजीवन राष्ट्रपति के रूप में चुनवा लिया, लेकिन थोड़े समय के बाद 1966 में सेना ने उनका क्या कर दिया, तख्तापलट कर दिया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि वह राष्ट्रपति पर आ गए, और राष्ट्रपति में आजीवन का मतलब हमेशा के लिए वही चुनाव, वही राष्ट्रपति पद पर रहेंगे। लेकिन फिर यहाँ 1966 में क्या होता है, तख्तापलट होता है, और यहाँ पर जो शासन व्यवस्था था, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, वह क्या होता है, खत्म हो जाता है। और कौन सी शासन व्यवस्था आ जाता है, सैनिक शासन व्यवस्था आ जाता है। तो इस तरह से अलग अलग देशों में कब उपनिवेशवाद के बाद का समय होता है। अब हम लोग देखते हैं कि हाल के दौर में क्या स्थिति है। हाल के दौर को समझने के लिए दो शब्द आगे आएगा, पहला शब्द आएगा सोवियत संघ। तो सोवियत संघ का क्या मतलब है, पहले ये देखिए, ये जो आपको मानचित्र दिख रहा है ये सोवियत संघ का मानचित्र है, जिसमें आपको पीले रंगों में जो देश दिख रहा है उसका नाम है रशिया, यानी कि रूस। दुनिया का सबसे बड़ा देश पहले भी था और आज भी दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है, लेकिन इसमें और 15 देश अगर आप जोड़ दीजिएगा तो बन जाएगा सोवियत संघ, जिसमें से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं एस्टोनिया, लातविया, बेलारूस, लिथुआनिया, यूक्रेन, मालदोवा, उसके बाद जॉर्जिया, काजिकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, और इन सभी देशों को जब मिला दीजिएगा तब जो देश बनेगा उस देश का नाम क्या होगा, सोवियत संघ। तो एक देश मैंने आपको छोड़ा था, पोलैंड देश, और यहाँ पर जो देश दिख रहा है आपको ये मैंने लाल रंगों में से घेर दिया, ये जो देश आपको दिख रहा है ये पोलैंड देश है, और ये पोलैंड जो है
अभी किसके करीब में, ये यूक्रेन है और उसके बगल में ये बेलारूस है, और इस बेलारूस और यूक्रेन के बगल में जो देश आपको दिखेगा वह देश कौन सा है, पोलैंड देश है। ओके, तो मैंने पोलैंड भी आपको नक्शा में दिखा दिया। तो मैंने आपको बताया था कि हाल के दौर का जब आप अध्ययन कीजिएगा तो आपको दो शब्द मिलेगा, पहला जो शब्द मिलेगा वह सोवियत संघ मिलेगा, और दूसरा जो शब्द मिलने वाला है वह शब्द है लातिनी अमेरिका। अमेरिका मिलता तो चलता, लेकिन यहाँ पर जो शब्द मिल गया वह है लातिनी अमेरिका। तो आप यहाँ पर जो नक्शा देख रहे हैं ये लातिनी अमेरिका है। विश्व का मानचित्र आप देखिए, यहाँ पर अपना प्यारा भारत है, और यहाँ से जब आप दक्षिणी अमेरिका की ओर जाइएगा तो दक्षिण अमेरिका का ये जो भाग आपको दिख रहा है उसके साथ उत्तरी अमेरिका का थोड़ा सा भाग, इन देशों को जब मिला दीजिएगा तो जो देश बनेगा उसका नाम है लातिनी अमेरिका। ओके, यहाँ पर आप उन देशों में कौन कौन से देश है इसका नक्शा आप देख सकते हैं, जिसमें आ जाएगा मैक्सिको आ जाएगा, बड़े बड़े देश का नाम मैं पढ़ देता हूँ, ब्राजील आ जाएगा, पेरू आएगा, बोलिविया आएगा, चिली आएगा, अर्जेंटीना आएगा। इसके अलावा भी छोटे छोटे देश है, जिसमें से क्यूबा भी एक देश देख सकते हैं यहाँ पर है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है क्यूबा। और इस तरह से ये सारे देश क्या होंगे, आएंगे, और इन देशों को ही हम क्या बोलते हैं, लातिनी अमेरिका। आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। तो हाल के दौर में क्या हो रहा है, क्या अभी पूरी दुनिया में लोकतंत्र है या नहीं है? तो इस सवाल का जवाब देंगे कि माना कि अभी पूरी देश पूरी दुनिया में लोकतंत्र नहीं है, कुछ ऐसे देश भी है जहां पर लोकतंत्र नहीं है, लेकिन लगभग लगभग देशों में लोकतंत्र है। लोकतंत्र की दिशा में ज्यादा तेजी तब आई जब जो सोवियत संघ है उसका बिखराव हो गया, यानी सोवियत संघ में कुल 15 गणराज्य थे और वह 15 के 15 स्वतंत्र हो गए, वह आजाद हो गए। और कब शुरू हुआ था, 1980 में शुरू हुआ था। लातिनी अमेरिका ये भी अनेक देशों में जो बट गया, जैसा कि मैंने आपको मानचित्र में दिखाया। 1990 के दशक में बात करें अपने क्षेत्र का, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश ये भी क्या हो गया, अलग हो गया, और उन देशों ने अलग देश बनाया और अपना एक नया देश बना भारत। लेकिन ये बदलाव अस्थाई नहीं थे। 1999 में जो पाकिस्तान की बात करें तो जनरल मुशर्रफ, ओके, जो आपको बता चुके हैं पाकिस्तान, अगर आप थोड़ी सी इतिहास की जानकारी रखते हैं तो आपको पता होगा कि ये जो पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है ये दोनों ही पहले पाकिस्तान था। पाकिस्तान जो था उसका नाम था पश्चिमी पाकिस्तान, और जो बांग्लादेश था उसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान। जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान में सैनिक शासन स्थापित कर दिया और वहां पर सैनिक शासन ही चलने लगा। अब थोड़ी सी नेपाल की कहानी देख लेते हैं। नेपाल अपना पड़ोसी देश है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नेपाल है, और नेपाल के राजा ने क्या किया, यहाँ पर भी जो अपने बहुत सारे अधिकार थे, राजा ने अपने खुद से जो अपने अधिकार थे उनको किसको दे दिया, चुने हुए प्रतिनिधियों को दे दिया। ओके, यानी कि यहाँ पर दो तरह का, इस तरह की शासन व्यवस्था को हम संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं, यानी कि जिसमें संविधान भी होता है और राजतंत्र भी होता है, उसे हम संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। और इसमें क्या किया, इसमें दो तरह की शासन व्यवस्था होता है, एक तो यहाँ पर राजा रहता ही रहता है, और यहाँ पर एक चुनी हुई प्रतिनिधि बनती है। तो इसने, राजा ने क्या किया, अपने बहुत सारे अधिकार चुने हुए प्रतिनिधि को दे दिया, वो अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं, और वे खुद क्या बने रहे, संवैधानिक प्रमुख बने रहे। 2005 में नेपाल के नए राजा चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया, और पिछले दशक के लोगों को दी गई राजनीतिक आजादी को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। यानी पहले इन्होंने बढ़िया किया था, लेकिन 2005 में क्या कर दिया, जो भी राजनीतिक अधिकार दिया था उसे क्या कर लिया, बर्खास्त कर दिया, खत्म कर दिया, और ये खुद क्या बन गए, सर्वोसर्वा बन गए, और ये इनकी गलती थी। और इसके बाद यहाँ पर लोकतंत्र के लिए आजादी होती है, 2006 में आंदोलन होता है, 2008 में यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो जाती है, राजा का पावर पूरी तरह से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। 1947 में हमें भी आजादी मिलती है, और 1948 में भारत के पड़ोसी देश जैसे कि म्यांमार औपनिवेशिक शासन से आजाद हुआ, और इसने भी लोकतंत्र को अपनाया। 1948 में लोकतंत्र तो अपना लिया, लेकिन 1962 में यहाँ पर हो गया सैनिक तख्ता पलट, ओके, यानी कि सेना ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया। 1990 में यहाँ पर आंदोलन चला, और इस आंदोलन को सबसे आगे जो लेकर आए उनका नाम है आंग सान सू ची, आंग सान सू ची, ओके। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जो है ये चुनाव जीत गए। आंग सान सू ची ने तो चुनाव जीत लिया, परंतु म्यांमार की फौज ने शासकों, यानी जो शासक था अभी, उन्होंने सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि ये जो चुनाव हुआ है इसकी परिणाम की मान्यता हम नहीं देते हैं, और जो सूची है, ओके ना, जिसे आंग सान सूची कहते हैं, इनको गिरफ्तार करके पहले जेल में डाल दिया गया, और फिर इन्हें जेल से निकाल करके घर में ही नजरबंद कर दिया।
घर में नजर बंद करने का मतलब ये होता है कि आपके घर के सामने आपको, आप घर में रहिएगा लेकिन आपके जो पास है वो सेना रहेगी, आर्मी रहेगी, वो आपको घर से बाहर निकलने नहीं देगी। और अगर घर से बाहर जाइएगा भी तो आप सेना की निगरानी में जाइएगा, आप किसी भी तरह का आंदोलन वगैरह नहीं कर सकते। यहाँ पर एक बहुत ही सख्त कानून लागू कर दिया गया कि अगर आप सार्वजनिक रूप से सरकार के खिलाफ बोलते हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसे 20 साल तक जेल हो सकती है। तो हम देखते हैं कि म्यांमार की फौज क्या कर रही थी, मनमानी कर रही थी, और म्यांमार की सरकार की जातियां से तंग आकर के 6 से 7 लाख लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया और वे किसी दूसरे देश में शरणार्थी बन करके चले गए। जो आंग सान सूची है, जिसे मैंने बोला कि नजरबंद की सजा झेल रही थी, उन्होंने नजरबंद रहते हुए भी लोकतंत्र के लिए अपना अभियान जारी रखा, संघर्ष बहुत ज्यादा जारी रखा, और ये संघर्ष इतना आगे तक चला कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दूसरे देश के लोगों को भी पता चला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता मिली। बाद में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया। फिर भी म्यांमार के लोगों को अपना देश में लोकतांत्रिक सरकार कायम करने का संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है। यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार आती है और फिर से तख्ता पलट कर दिया जाता है। अभी हाल की कहानी आपको बता रहे हैं, हाल ही में यहाँ पर आंग सान सूची को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है और जो लोकतंत्र है उसे खत्म करके तख्ता पलट करके सैनिक शासन आ गया है। ओके, तो ये था पूरे म्यांमार की कहानी। अभी अगर बात करें 2005 से लगभग 140 देश ऐसे हैं जहां बहुदलीय शासन प्रणाली है, बहुत सारे दल शासन चुनाव में भाग ले सकते हैं और उसमें जो सरकार को, जो जनता को पसंद होगा उस सरकार को वो चुन सकते हैं। यानी ज्यादातर देशों में अभी क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू है। हमने अलग अलग कहानी पढ़ा, हमने देखा कि अमेरिका में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, अफ्रीका में क्या हो रहा है, हमारे देश में, हमारे पड़ोसी देश में क्या हो रहा है, क्या वहाँ लोकतंत्र है, कैसे आया। ज्यादातर देश में, ज्यादातर केस में हमने देखा कि लोकतंत्र तो आ गया लेकिन किसी ना किसी कारण से, चाहे वो राजा हो चाहे वो सेना हो, उन्होंने शासन को बर्खास्त कर दिया और या तो सैनिक शासन आ गया या तो राजतांत्रिक शासन आ गया और शासन व्यवस्था में बगडोल हो गया और पूरी तरह से बर्बाद हो गया। लेकिन बाद में फिर से उन सभी देशों में लोकतंत्र आया, जैसा कि कहानी मैंने आपको सल्वाडोर आयंदे, यानी सल्वाडोर आयंदे वाली कहानी चिले देश की थी और पोलैंड वाली कहानी जारू जेलसकी वाली थी, इन दोनों ही देशों में पढ़ाया। इन दोनों देशों में देखें कि पहले लोकतंत्र आया, फिर तख्ता पलट हुआ और फिर से यहाँ पर जो है लोकतंत्र आ गया। उसी प्रकार से बाकी सभी देशों में लोकतंत्र आ चुका है। कुछ देशों के लोग के साथ बहुत ही गलत होता है और वहां पर क्या होता है, सत्ता उनकी चली जाती है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र बेहतर शासन व्यवस्था है। लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विषय में। देखिए, दुनिया में ऐसी सरकार नहीं है जिसके द्वारा कानून बनाया जा सके दुनिया भर के लिए। ओके, दुनिया भर के लिए बात कर रहे हैं, यानी कि जो कानून पूरी दुनिया में लागू हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक कानून बनाते हैं कि अब से आने वाले समय में, यानी कि आज 2022 है, 2022 जैसे ही खत्म होगा हम सभी देश प्लास्टिक को छोड़ देंगे यूज करने और हम उसके लिए किसी नए संसाधन की ओर जाएंगे और कोई भी प्लास्टिक का अगर यूज करेगा तो उसे हम प्रतिबंधित करेंगे। ये पूरी दुनिया के लिए कानून है। क्या ये ना कानून लागू किया जा सकता है? नहीं लागू किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी एक ऐसी संस्था नहीं है जो ऐसा कर सके। और इसके लिए हमने क्या किया, विभिन्न संगठन का सहारा लिया, लेकिन ये उतना कारगर नहीं है, ये नियंत्रण नहीं रख सकती, ये केवल सलाह देती है। ओके, तो ये क्या करती है, ये नियम और कानून बनाती है, हमारी रक्षा करती है और हमें किस प्रकार से कामकाज करना चाहिए, हमारी क्या सीमा होना चाहिए, इसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ दिशा निर्देश देते हैं। ये आपको ऐसा नहीं बोलता आपको करना ही पड़ेगा, ये आपको सिर्फ दिशा निर्देश देते हैं। और ये जो संगठन है, ये कौन सा संगठन है, पहला है संयुक्त राष्ट्र संगठन, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। लेकिन इसके अलावा भी कुछ संगठन है, फिलहाल हम लोग इसी के विषय में पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है? तो इसका जवाब लिखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ यह दुनिया भर के देशों का एक वैश्विक संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून, सुरक्षा और आर्थिक निकाय और सामाजिक समानता के मामले पर परस्पर सहयोग स्थापित करने में मदद करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव इसके मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं या अधिकारी होते हैं। तो इसमें हम लोग देखें कि ये क्या है, एक वैश्विक संगठन है जो क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी पूरी दुनिया के लिए कानून बनाता है, पूरी दुनिया को सुरक्षा देता है और अगर किसी को आर्थिक निकाय की जरूरत होती है तो उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जाती है और पूरे समाज में समानता लाने का कार्य करता है। कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ।
अब ये सुरक्षा परिषद का क्या काम है? जैसा कि इसका नाम है सुरक्षा, तो ये क्या करता है, विभिन्न देशों के बीच सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है और बाकी देश आपस में नहीं लड़े इसके लिए शांति बनाए रखने की भी जिम्मेदारी किसका है, संयुक्त राष्ट्र संघ का है। यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय शांति दास्ता है जो दास्ता बनाकर गलती करने वाले के खिलाफ क्या करती है, कार्रवाई करती है। यानी जो देश गलती करता है उसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ यानी पूरा देश मिलकर के आपके खिलाफ जा सकता है। मुद्रा कोष, जैसा कि इसमें लिखा गया मुद्रा, तो जब सरकार को पैसे की जरूरत होती है तब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम विश्व बैंक कहते हैं, तो विश्व बैंक की सरकारों से आप ऋण ले सकते हैं। उधार देने के पहले ये संस्थाएं आपको चेक करती है कि आपका हिसाब किताब देखती है और फिर आपकी आर्थिक गतिविधि देखती है, और अगर आपकी आर्थिक गतिविधि में बदलाव करके आपको सुधारा जा सकता है तो वह भी करता है। ओके, तो इस तरह से ये तीनों ही संगठन क्या करती है, काम करती है, और इन तीनों संगठन का काम ये है कि पूरी दुनिया में शांति स्थापित करना। लेकिन क्या ये लोकतांत्रिक निर्णय लेता है, यानी कि ये जो आर्थिक संगठन है, ये जो सुरक्षा परिषद है, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये सबके लिए बराबर काम करता है या किसी एक के फायदे लिए काम करता है? तो आइए देखते हैं। देखिए, विश्व स्तर पर अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो विश्व सरकार का काम करती है, लेकिन ये लोकतांत्रिक निर्णय नहीं ले पाती है। क्यों नहीं ले पाती है, इसका कारण देखिए। कारण है, सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मामला देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसमें 193 देश है, 193 देश है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक वोट, एक व्यक्ति को एक वोट मिलता है, यानी अगर एक देश है तो उसके वोट का कीमत कितना है, एक है। महासभा का स्वरूप जो जिस प्रकार से हमारे देश में संसद चलता है उसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ भी चलता है। इसकी भी बैठक होती है, इसके बैठक सदस्य प्रतिनिधि चुनते हैं, इनके अध्यक्ष बनते हैं, अध्यक्ष इनकी अगुवाई करते हैं और हर साल इसमें बदलाव होते रहता है। लेकिन विभिन्न देश के बीच अगर मान लीजिए टकराव हो गया, और टकराव की स्थिति में महासभा क्या काम करता है, तो कहता है कि महासभा कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। हम क्या बोल रहे हैं, कार्यवाही नहीं कर सकता है, उनके खिलाफ फैसला सुना सकता है कि इसके साथ क्या करना है, लेकिन ये जल्दी कार्यवाही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मान लेते हैं अपना ही भारत और पाकिस्तान लड़ रहा है, तो भारत और पाक का जो युद्ध हो रहा है, तो उसमें इनको ये बात पता चल रहा है महासभा को कि पाकिस्तान जो है वह गलत कर रहा है, पाकिस्तान बार बार आतंकवादी भारत में भेज रहा है, लेकिन ये कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकता है, केवल आपको सलाह दे सकता है, कार्यवाही नहीं कर सकता है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ बेहतर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को देखिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 होते हैं अस्थाई और बाकी जो 10 होते हैं अस्थाई होते हैं। अस्थाई का मतलब ये फिक्स, हमेशा ये रहेगा ही रहेगा, बदलने वाला नहीं है। जैसे कौन है, अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन। 5 देख लीजिए, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, 4 हो गया, और ये 5वां कौन है, चीन है। इसे हम बोलते हैं अस्थाई। अस्थाई का मतलब ये बदलेगा नहीं, और इनके पास जो पावर है ना, इस पावर को हम कहते हैं वीटो पावर। क्या बोलते हैं, इन 5 सदस्यों के पास खास क्या है, इन 5 सदस्यों के पास आपको मिलेगा वीटो पावर यानी वीटो अधिकार। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अस्थाई सदस्य, भले ही 193 सदस्य है, लेकिन उनमें से कोई, इन 5ों में से कोई एक आदमी अगर ये मना कर देता, तो आप इसके मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। अगर ये किसी भी चीज को, फैसला को नहीं कर देगा, तो वे 193 में से अगर 192 देश भी हाँ कर रहे हैं, तब भी आपका मान नहीं होगा, क्योंकि इनमें से किसी एक ने क्या कर दिया, मना कर दिया, आप उसके मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते। तो इसके चलते हम देखते हैं कि ये ज्यादा लोकतांत्रिक नहीं हुआ, लोकतांत्रिक बनाने की मांग इसमें चल रही है। इसलिए बार बार बोला जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को लोकतांत्रिक बनाया जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या बनाया जाए, लोकतांत्रिक, इसलिए इसकी मांग बार बार चलती रहती है। अब थोड़ा और देखिए, यहाँ पर देखिए एक और कहानी दिया गया। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन का मामला। अभी आपको किसका मामला बताएं, अभी आपको बताएं संयुक्त राष्ट्र संघ का मामला। हमने देखा कि 188 सदस्य देश ऐसे हैं जिनका पास समान मताधिकार नहीं है, और इनमें से 178 देश ऐसे हैं जिसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के फैसले को ज्यादा प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है। यानी कि ये 178 देश ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के फैसले को प्रभावित कर ही नहीं सकते। तो प्रभावित कौन कर सकते हैं, या तो जिनके पास वीटो पावर है, या तो जो मुद्रा कोष में अधिक पैसे देते हैं, और मुद्रा कोष यानी कि
देखिए, जो सुरक्षा परिषद है या संयुक्त राष्ट्र संघ है उसे चलाने के लिए पैसे चाहिए ना, तो उसको वह पैसे उसके पास आते कहां से? तो वह पैसे या तो अमेरिका देता, बाकी सभी देश देते, सब देश, 193 देश है, 193 देश पैसे देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा कौन देता है? अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, इटली, सऊदी अरब और कनाडा, रूस, ये सभी देश क्या करते हैं? 52% पैसे दे देते हैं। तो बाकी सभी देश जो पैसे कम देते हैं उनके पास उतना पावर रहता ही नहीं है, और यहाँ पर काम करता पैसा, यानी जितना धन आप दीजिएगा आपके वोट का पावर उतना ही अधिक होगा, जितना पैसा आप दीजिएगा आपके वोट का पावर उतना ही अधिक होगा। क्या ये लोकतांत्रिक है? नहीं है। यानी हमें सुरक्षा परिषद को लोकतांत्रिक बनाने की जरूरत है। एक और मामला देखिए, विश्व बैंक का मामला देखिए। विश्व बैंक में भी हर एक साल वोटिंग होती है, और इस वोटिंग प्रणाली में हमेशा जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष हमेशा वह अमेरिकी नागरिक ही रहता है। क्या ये लोकतांत्रिक है? नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही देश और एक ही व्यक्ति जब बार बार सरकार में आती है तो हम उसे लोकतांत्रिक नहीं कहते हैं, उसे हम कहते हैं तानाशाह। समझ में आ गया? तो इस तरह हम देखते हैं कि हमें उसे भी लोकतांत्रिक बनाने का जरूरत है। अब एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को खेल किया जाता है। क्या हमें लोकतंत्र बनने के लिए, अगर भारत को लोकतंत्र बनना है तो उसे बाहरी समर्थन का जरूरत है? इस सवाल पर गौर करते हैं। एक छोटा सा कहानी लिखा गया है इराक के विषय में। इराक जो है वह पश्चिमी एशिया का देश है, यानी कि एशिया का ही देश है। इराक, ईरान, ये सारा देश जो है आपस में पास में ही है। 1932 में यह देश ब्रिटिश का गुलाम से आजाद हुआ, 1932 में ही हो गया, यानी हमसे कहीं पहले। 3 दशक बाद, यानी कि लगभग इसमें 30 साल जोड़ दीजिए तो 3 दशक हो जाएगा, यहाँ की फौज ने क्या कर दिया? सरकार का तख्ता पलट कर दिया, और फिर से यहाँ पर कौन सी सरकार आ गई? सैनिक शासक आ गया। सैनिक शासन किसने लाया? सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन ने 1968 में यहाँ पर क्या कर दिया? सैनिक शासन ला दिया। सैनिक शासन लाने से, यानी कि तख्ता पलट होने से, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसने? सद्दाम हुसैन ने। लेकिन इन्होंने कुछ कानून बनाए। सबसे पहला कानून, इस्लामी कानून को हटा दिया और औरतों को अधिकार दिया। बाकी सभी देशों ने जब आजादी हुई, या उन्होंने आजादी के बाद भी औरतों को अधिकार बाद में मिला, जब सैनिक शासक आया तो उन्होंने औरतों के अधिकार को छीन लिया, लेकिन इन्होंने औरतों को बहुत ज्यादा अधिकार दिया जो बाकी किसी देश ने नहीं दिया था। तो ये आपको शुरू शुरू में अच्छा लगने लगा। 1979 में राष्ट्रपति बन गए, यानी कि सद्दाम हुसैन, जैसा कि मैंने आपको बताया 1968 में उन्होंने तख्ता पलट कर दिया, और 1979 यानी 1979 में वो राष्ट्रपति बन गए। अब जब राष्ट्रपति बन गए तो उन्होंने तानाशाही चलाना शुरू कर दिया, यानी कि वह बन गए तानाशाह। और अगर आप इसके खिलाफ जाते हैं तो आपके खिलाफ सख्ती से आपका दमन किया जाएगा, आपको पीटा जाएगा, हो सकता है आपको जेल भी डाला जा सकता है। अब यहां पर एंट्री होती है अमेरिका और ब्रिटेन की। अमेरिका और ब्रिटेन कहता है कि इसके पास, यानी इराक के पास, परमाणु हथियार है। और बउआ, यह तुम समझ लो कि सद्दाम हुसैन है तानाशाह, यानी कि इन्होंने तख्ता पलट कर दिया, यानी ये बहुत ही खतरनाक आदमी है, और इस खतरनाक आदमी के पास खतरनाक हथियार यानी परमाणु हथियार है, यानी कि अब इससे तो पूरी दुनिया को खतरा होने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि ये तानाशाह अपना मनमानी करे और परमाणु हथियार को छोड़ दे। तब संयुक्त राष्ट्र, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि संयुक्त राष्ट्र कौन है, संयुक्त राष्ट्र पूरी दुनिया को चलाने वाला लोकतंत्र है, इन्होंने जांच का आदेश दिया कि जांच करके बताइए कि क्या सचमुच सद्दाम हुसैन यानी इराक के पास परमाणु हथियार है। देखा, इसके पास तो हथियार नहीं है, हथियार तो बिल्कुल भी नहीं मिला, यानी कि उनके पास बिल्कुल हथियार था ही नहीं। फिर भी 2003 में अमेरिका और उनके साथी देशों ने इराक पर हमला कर दिया, बोला नहीं इसके पास है, आप चेक नहीं कर पाए। इन्होंने अपने ही मर्जी से हमला कर दिया, उस पर कब्जा कर लिया और सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटा दिया, बोला ये बिल्कुल ही तानाशाह वाला सत्ता है, इसे हटा दिया जाए। यानी अमेरिका ने कर दी मनमानी और अपने ही मन से अपनी पसंद की अंतरिम सरकार को बना दिया, और वहां पर जो तानाशाह है उसे खत्म कर दिया, और वहां पर लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना कर दी। अब आपको सुनने में तो बेहतर लग रहा होगा कि अमेरिका आया और इराक में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू कर दिया, क्योंकि सभी देश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को ही तो पसंद कर रहे हैं।
लेकिन अमेरिका ने यहाँ गलती क्या की कि अमेरिका ने सुरक्षा परिषद के परमिशन के बगैर ही इन पर हमला कर दिया। जब तक सुरक्षा परिषद नहीं बोलेंगे तब तक किसी को किसी दूसरे देश पर हमला करने का इजाजत नहीं है, यानी इन्होंने बिना मंजूरी के हमला किया। महासचिव कोफी अन्ना ने कहा कि ये गैर कानूनी युद्ध है, यानी अमेरिका ने कर दी मनमानी। आप देख सकते हैं अब पावर में कौन आ गया, अमेरिका। यानी अमेरिका पूरी दुनिया में जहां जो होगा वैसा क्या कर सकता है, वह अपनी सेना भेजेगा और अपने ही मन से सरकार बनवा देगा। तो हम क्या देखते हैं कि हमें लोकतंत्र के लिए बाहरी देश की जरूरत नहीं है, और अगर जरूरत पड़ेगी भी तो संयुक्त राष्ट्र के परमिशन के बाद ही। ओके, तो यहां पर यह चैप्टर खत्म होता है। हमने सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लिया और उम्मीद है आप इसे बेहतर तरीके से समझे होंगे। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, लेकिन आप दो चीजें सुन के जाइए। सबसे पहला चीज, इस चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही, क्योंकि आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जिसमें हम चैप्टर को मैनली पूरे डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे और आपको बेहतर समझ में आएगा। साथ ही साथ आप मेरे दो और चैनल, जिसमें से पहला जो चैनल है अभी क्लासेस डाउट, जिसके विषय मैंने पहले आपको बताया है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके अंदर कोई भी ऐसा सवाल है जिसका जवाब नहीं आता है, कमेंट कीजिए किसी भी चैनल पे, मैं वहां से सवाल उठाऊंगा और उसका जवाब आपको यहाँ पर लिख के बताऊंगा कि परीक्षा में अगर ये सवाल आता है तो आप इस सवाल का जवाब कैसे लिखिएगा। ओके, वह हम बताने वाला काम नहीं करेंगे बल्कि आपको लिख के बताएंगे कि परीक्षा में सवाल का जवाब कैसे लिखा जाता है, तब आप उस सवाल का जवाब जान पाइएगा।